Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Sushant Singh. In this particular video, we will solve CAT 2019 time and work question. But guys, a quick information to you. I have already created CAT 2017 and 2018 time and work video solution. So check out those video. And in coming video, I will create video solution all the remaining topic, especially year wise, not accumulated year wise. So do subscribe my channel and bell icon bhi daba do yaar. And if you need any help regarding the CAT and other MBA examination, and not only in quant section, in DLR section or VRC section, if you need any help, so WhatsApp me on this number. I will try to help you. So let's start the discussion of the very first question. So this is the first question at 2019 slot 1. So read karte hain is question ko. So guys, if you have covered the basic concept of time and work, pause the video and solve the question, then solution ko check karna aur dekhna jo main karunga. लेकिन पहले खुद से आप अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, तभी आपका अप्रोच डेवलप होगा. अदरवाइज विदाउट ट्राइंग अप्रोच विल बी नॉट डेवलप. सो इट इज अ बेटर टू ट्राई फर्स्ट देन लुक द सॉल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. एट देयर यूजुअल इफिशियंसी लेवल ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ टास्क इन 12 डेज. इफ ए हैड वर्क हाफ एज इफिशियंसी एज C usually does, and B had worked thrice as efficiently as he usually does, the task would have completed in 9 days. How many days would A take to finish the task if C worked alone at her usual efficiency? मतलब अगर हम क्वेश्चन को देखें कि क्या पूछा हुआ है, so A का कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए. सो हम अगर हम देखें अपना मोटो क्या होना चाहिए क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे ए का एफिशिएंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए, तभी तो मैं टाइम निकाल लूंगा ना. टोटल वर्क और एफिशिएंसी ए का, ये मेरा मोटो है. टाइम और टोटल वर्क चाहिए और ए का एफिशिएंसी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. मोटो हमको समझ गया क्वेश्चन का, ये क्या मोटो है. मोटो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन क्वांट. विदाउट मोटो का आप कैसे किसी वे में फॉरवर्ड कर सकते हो. बिना अगर मोटो हमको पता चल गया ना, तो हम उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे. सो मोटो आइडेंटिफाई करना इज वेरी नेसेसरी. तो अब देखो क्या है, ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ टास्क इन 12 डेज. यहाँ से एक मुझे इक्वेशन मिलेगा टोटल वर्क का. सो लेट सपोज ए का एफिशिएंसी ए मैंने अज्यूम किया, बी का एफिशिएंसी बी अज्यूम किया. So A and B together work for 12 days to complete the total work. So this ये equation 1 आ गया. अब क्या बोल रहा है कि A had work half as efficient. अब A का मैंने efficiency तो A माना है, so ये half efficiency से work कर रहा है. So 1/2 A plus B had work thrice as efficiently as C usually does. सो बी का एफिशिएंसी हम लोगों ने बी अज्यूम किया था. सो अब ये थ्राइस एज इफिशियंटली वर्क कर रहा है. सो पहले बी था, सो अब ये थ्राइस, सो थ्री बी इफिशियंट. इनको कितना टाइम लग रहा है, कंप्लीटेड इन 9 डेज. सो 9 इक्वल टू टोटल वर्क. अब दोनों टोटल वर्क सेम है, आर एच एस इज सेम, इट मीन्स एल एच एस भी सेम हो जाएगा. सो इक्वेट कर देते हैं. सो 12 A plus B equal to 9 half A plus A B. So इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना. 4 3 जा 12, 3 3 जा 9. So 4A multiply plus 4B equal to 3/2 A plus 9 B. अब A को एक साइड लेके आते हैं, B को एक साइड लेके आते हैं. सो
यहाँ पे 9B है, यहाँ पे 4B है, और यहाँ पे 4A है, 3/2A है। सो ये ज्यादा है, ये कम है, सो हम कम वाले को इधर लेके आते हैं। सो 4A-3/2A=9B -4B। देखो भाई जी, मैं ये इतना सारा चीजें लिख रहा हूँ ना, ये डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ स्टेप वाइज सॉल्यूशन। अदरवाइज इतना ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमको ये स्टेप लिखना चाहिए, मतलब अगर हम कैट में या फिर मॉक वगैरह में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट स्टेप हमको लिखना आना चाहिए कि हाँ डायरेक्ट स्टेप ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टेप होगा। ये नहीं कि ये स्टेप लिखे फिर ये, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो हमें ये स्टेप सीखना है कि ये स्टेप कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। विद द प्रैक्टिस आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। सो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये सभी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट दिस। सॉल्व करते हैं। सो 8A-3A/2 LCM लेकर सॉल्व किया, 9-4 5। सो ये हो गया 5A=2, इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10B 5 2 जा, तो A=2B। देखो ए और बी में रिलेशन आ गया। लेट अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है कॉन्सेप्ट वीडियो में, जब यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाए कुछ भी वैल्यू ले लो। अब देखो मैंने सपोज लेट बी का एफिशिएंसी 1 ले लिया, अब 2, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये A 1 लिया इजी कैलकुलेशन के लिए, छोटा वैल्यू इजी कैलकुलेशन। सो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ बी हेयर, सो ए सो 2 × 1, तो एफिशिएंसी ऑफ ए 2। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए मिल गया, एफिशिएंसी ऑफ बी मिल गया, सो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इधर ऑफ दिस इक्वेशन, इसी में भी वैल्यू पुट करो। अब देखो यहाँ पे हाफ है एंड ऑल है, सो इट इज बेटर टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ए प्लस बी इंटू 12, सो ए प्लस बी इज 3 × 12, सो 3 × 12, सो टोटल वर्क इक्वल टू 3 × 12, हाउ मच, 36। नाउ टोटल वर्क निकल गया, ए का एफिशिएंसी निकल गया, वही तो मुझे निकालना है। अब टाइम के लिए क्या बोला था, टाइम ए का कितना टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना कि हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ सी वर्क अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। सो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क 36 बाई एफिशिएंसी 2, तो 18, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सो इस टाइप के क्वेश्चन में ना देखो, एक तो होता है एलसीएम अप्रोच, एक होता है कि इक्वेशन अप्रोच। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना इक्वेशन अप्रोच बहुत इजी हो जाता है। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आप 108 यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हो, 108, फिर वो थोड़ा सा ऐसा होगा ना कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ए और बी का एफिशिएंसी आता है, उसी टर्म में टोटल वर्क भी आ जाता है, सो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन एलसीएम मेथड से भी बनता है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इक्वेशन अप्रोच प्रेफर करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सो अगर आपको एलसीएम अप्रोच अच्छा लग रहा है, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन एलसीएम अप्रोच, बट एक बार इक्वेशन अप्रोच और दोनों को खुद से कंपेयर करना कि कौन सा इजी है, तो जो इजी लगेगा उसको एडॉप्ट करने का ट्राई करना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ, सो रीड करते हैं साथ में। सो 3 men and 8 machine, मेन एंड मशीन कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाई 3 machine and 8 men टू फिनिश द सेम जॉब। इफ 2 machine कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, देन हाउ मेनी मेन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। अब देखो यहाँ भी हम मोटो समझते हैं कि क्या चाहिए मुझे। यहाँ पे हाउ मेनी मेन है, सो और फिनिश द जॉब इन 13 days, सो मुझे टोटल वर्क चाहिए, मेन का एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क मेन का एफिशिएंसी, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना कि 13 days में कितने मेन लग रहे हैं उस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। सो मोटो मुझे पता चल गया कि टोटल वर्क और एफिशिएंसी ऑफ मेन चाहिए मुझे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम पे बातें चल रही है,
लास्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे सारे चीजें इफिशियंसी में था। तो अब देखो इफिशियंसी में था इसलिए हम चीजों को यहाँ पे ऐड और ये सब चीजें कर पाए, टाइम में नहीं कर पाते हैं ना। इफिशियंसी जब रहता है तो उसमें ऐड कर पाते हैं लेकिन टाइम में नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है तो वो चीजें मैंने टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वहां पे ये किया है, डिस्क्राइब किया है कि हम लोगों को इफिशियंसी पे क्यों फोकस करना चाहिए, टाइम और टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि टाइम को ऐड नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है वो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना अगर आपको क्लियर नहीं है तो। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो ये क्या बोला, 3 मैन एंड 8 मशीन कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाई 3 मशीन्स एंड 8 मैन। ओके ठीक है। सो 3 मैन प्लस 8 मशीन, मशीन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, इनका जो टाइम है ये है हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाई 3 मशीन प्लस 8 मैन, इनका टाइम। अब देखो गाइस यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में, कि इफिशियंसी जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं। सो क्या होगा, इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो इसका इफिशियंसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इसका इफिशियंसी हो जाएगा, यही होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर आ जाएगा इफिशियंसी के टर्म में, मतलब तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इफिशियंसी के टर्म में। सो ये हो जाएगा 3 मशीन मेन प्लस 8 मशीन का इफिशियंसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 मशीन प्लस 8 मैन, इसका इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसा हो गया इफिशियंसी का टर्म में। देखो इसका भी मैंने पूरा अच्छे से ये बताया हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो में, सो आप उसको एक बार देखो तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें। अब वो चीज मैं यहाँ पे बताऊँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो मैंने मतलब थोड़ा टाइम लेके वहाँ कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया था पूरा, तो आप उसको देखिए कॉन्सेप्ट वीडियो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सॉल्व करते हैं इसको। सो 3 मशीन मेन सॉरी 8 मशीन इक्वल टू 6 मशीन प्लस 16 मैन। देखो 8 मशीन 6 मशीन, इसको ऐसे लेके आते हैं, सो 2 मशीन इक्वल टू 13 मैन, सो मशीन इक्वल टू 13 बाई 2 मैन। और देखो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया मैन और मशीन में, सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एफिशिएंसी कुछ एज्यूम कर लेते हैं मेन का। सो लेट एफिशिएंसी मेन का, तो हम एफिशिएंसी क्या एज्यूम करें, एफिशिएंसी हम मेन का 2 का मल्टीपल एज्यूम करेंगे ताकि एफिशिएंसी ऑफ मशीन फ्रैक्शन में ना आए, सो हम 2 लेते हैं, आई एम एज्यूमिंग 2, यू कैन टेक 4 6 8 10 वट एवर द ओनली मल्टीपल ऑफ 2। सो इफिशियंसी ऑफ मशीन हाउ मच, 13। अब देखो इफिशियंसी तो निकल गया मेन और मशीन का, अब मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, यहाँ यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया अपना, अब आगे पर रीड करते हैं। इफ 2 मशीन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज, देखो ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया है कि आप टोटल वर्क निकाल लो कि कितना टोटल वर्क है। सो टोटल वर्क इक्वल टू 2 मशीन इंटू 13 डेज, सो हाउ मच, सो 2 इंटू मशीन का एफिशिएंसी 13, सो 13
13, ये आ गया 13 13 जा 169 इंटू टू, 13 का स्क्वायर 169। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मेन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज। अब देखो टोटल वर्क तो इतना हो गया 169 इंटू टू, हाउ मेनी मेन, सो नंबर ऑफ मेन को एन ले लेते हैं, मेन का इफिशेंसी कितना है, 2 है, और कितना दिनों में, 13 डेज में, तो 2 2 गेट कैंसिल आउट, 13 13, सो नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड इज 13, तो 13 13 मेन चाहिए उस जॉब को फिनिश करने के लिए इन 13 डेज में, तो आंसर इज 13। सो आई होप आपको ये क्लियर हो हुआ होगा। बस मोटो देखना है, टोटल वर्क चाहिए, मेन का एफिशिएंसी चाहिए, मेन का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लिया मैंने, टोटल वर्क के लिए स्टेटमेंट दिया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है लास्ट क्वेश्चन। 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2 स्लॉट 1 में और 1 स्लॉट 2 में। सो देखो गाइस, टाइम एंड वर्क के हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन 1 स्लॉट में आते ही हैं, सो वेरी नेसेसरी टू टाइम एंड वर्क के टॉपिक पे मतलब पकड़ हो, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, वाइल सुनील अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइंस हिम अगेन, आफ्टर अ फ्यू मोर डेज विमल्स ज्वाइंस देम एंड दे टूगेदर फिनिश द जॉब। इफ विमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब, देन इन हाउ मेनी डेज वॉज द जॉब डन, हाउ मेनी डेज जॉब द डन। अब कितने दिनों में जॉब कंप्लीट हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे टोटल वर्क चाहिए और इफिशेंसी भी चाहिए, अनिल सुनील और बीमल का देखते हैं कि चाहिए कि नहीं इफिशेंसी। सो अभी देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे डेज दे दिया है कि अनिल इतने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, सुनील भी 40 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, सो इट इज हेयर इट इज बेटर टू टेक एलसीएम अप्रोच। एलसीएम अप्रोच यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, सो टोटल वर्क हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 20 और 40 का एलसीएम, सो 40 एज्यूम कर लेते हैं, टोटल वर्क 40, सो इफिशियंसी ऑफ अनिल इज 40/20 इक्वल टू 2। अब ये लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे 20 दिख रहा है, 40 डायरेक्ट डिवाइड करो 2 आना चाहिए, सुनील का एफिशिएंसी 1 हो गया, 40/40, 40 टोटल वर्क, 40 डेज, मतलब हर एक दिन में एक यूनिट काम कर रहा है। अब देखो ए का एफिशिएंसी निकल गया, एस का एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क भी अभी चला गया आ गया, मतलब अभी देखते हैं, मतलब इसको एज्यूम किया हमने। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनिल स्टार्ट द जॉब, मतलब अनिल जॉब को स्टार्ट कर रहा है, आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइन ही, मतलब 3 दिन तक अनिल वर्क्स अलोन, सो इट मीन्स दैट हाउ मच यूनिट अनिल डज द वर्क, तो 2 × 3 इक्वल टू 6, देखो 6 यूनिट तो काम हो गया 3 दिन 3 डेज में, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, सो 40 - 6 इक्वल टू हाउ मच, 34। और देखो भाई जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि हाँ कोई एक बंदा जॉब को स्टार्ट कर रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद कोई अनदर पर्सन ज्वाइन कर रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद सम अदर पर्सन लीव कर रहा है एंड सम अदर पर्सन ज्वाइन, उस टाइम में ना हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एक स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद रिमेनिंग वर्क लिखेंगे, ऑलवेज राइट रिमेनिंग वर्क। इससे क्या होगा ना कि हम लोगों को पता चलते रहेगा कितना वर्क रिमेनिंग है, सो डैट वी कांट मेक एनी मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ना मिस्टेक होते हैं, और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तभी ये मैं बता रहा हूँ कि आपको रिमेनिंग वर्क साइड में लिखना है। अभी देखो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइंस, अब सुनील ज्वाइन कर रहा है, सो अब अनिल प्लस सुनील दोनों वर्क कर रहे हैं, लेकिन कितना दिन कर रहे हैं ये नहीं पता, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है कि हम कितना दिन वर्क कर रहे हैं, ये अननोन है,
अब आगे रीड करते हैं, आगे कुछ क्लू मिले। तो बोल रहा है कि आफ्टर फ्यू मोर डेज, मतलब जितना दिन भी यहाँ पे ये लोग काम किए हैं, मतलब यहाँ पे जितना दिन भी ये लोग काम किए हैं, उसके कुछ दिनों बाद बिमल ज्वाइन कर रहा है। सो अब ए अनिल, अनिल सुनील प्लस बिमल, ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये कितना दिन काम कर रहे हैं, रीड करते हैं, एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। अब यहाँ पे भी टाइम का मुझे नहीं पता है कि कितना दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे कुछ क्लू मिले। इफ बीमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब, अब देखो यहाँ बीमल ने कितना काम किया वो बता दिया है क्वेश्चन। वो कितना है, 10% ऑफ द जॉब है, मतलब टोटल वर्क जो हमने अज्यूम किया था उसका 10% वो किया किया है। इट मीन्स दैट बीमल, बीमल ने कितना वर्क कंप्लीट किया, सो 10% ऑफ 40 इज 4। सो बीमल डज 4 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे जितना दिन भी काम किया होगा ये बीमल, उसमें वो 4 यूनिट काम किया है। अब देखो बीमल तो यहाँ 4 यूनिट कर लिया, सो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 6 यूनिट यहाँ पे हो चुका था, 34 बचा था, 4 यहाँ पे बीमल कर दिया, सो 34 -4 = 30 यूनिट। अब देखो गाइज यहाँ पे समझने की नीड है, ये जो 30 यूनिट वर्क है वो ए प्लस एस, मतलब अनिल और सुनील नहीं तो मिलके किया होगा। यहाँ पे 6 यूनिट वर्क ये कर लिया, बीमल ने 4 यूनिट वर्क किया, यहाँ जितना भी टाइम ये लोग तीनों वर्क किए, सो जो 30 यूनिट वर्क रिमेनिंग बचा वो अनिल सुनील यहाँ और प्लस यहाँ, ये दोनों मिलके ही तो कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे पता चल जाए, तो मेरा हम आइडेंटिफाई कर फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ टोटल कितना डेज लगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता है कि 3 डेज लग रहा है। सो अब इतना टाइम के लिए हमको पता है कि अनिल और सुनील 30 वर्क कर रहे हैं, 30 यूनिट वर्क कर रहे हैं, सो इनका टाइम कितना लगा, 30 डिवाइडेड बाई अनिल और सुनील का इफिशियंसी सम, इनका सम, सो हाउ मच, 3, सो 3, सो 10। सो देखो अब अनिल सुनील यहाँ और यहाँ मिला के, अब यहाँ जितना दिन भी और यहाँ जितना दिन भी काम किया उससे हमको फर्क नहीं है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वर्क कंप्लीट करने में वो लोग 10 दिन लगा रहे हैं, और ये 4 यूनिट वर्क भी उसी में इंक्लूड है। तो ये टोटल वर्क जो का हो रहा है 34 यूनिट, वो 10 दिनों में ही हो रहा है, उसी 10 दिनों में ये बी भी 4 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो अब कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने दिनों में वर्क कंप्लीट हुआ, तो 10 दिन ये और 3 डेज ये, तो टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 13 डेज। तो इसका आंसर हो गया 13 डेज। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अदर चैनल में आपको इतना डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कोई देगा, यूट्यूबर नॉट यूट्यूबर, मतलब जो भी टीचर है या जो भी है। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा समझाने का वे अच्छा लग रहा है, सो गाइज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन नहीं आएगा कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ पोस्ट करूँ चैनल पे। सो आई नीड सम मोटिवेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।